हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे ही होंगे। और आज की वीडियो में बेसिकली मैं बताने वाला हूँ, मेरे पास में एक ये वेगा का हेलमेट और ये इसके ऊपर मैं कैमरा माउंट करके आपको दिखाने वाला हूँ कैसे कैमरा माउंट होता है इसके ऊपर। वो सारी प्रोसेस मैं आज आपको समझाने वाला हूँ अपने इस वीडियो के अंदर। बेसिकली इसके अंदर जो माउंट लगने वाला है वो माउंट है एक ये कर्व माउंट। ये यहाँ से थोड़ा सा टेढ़ा आता है ये कर्व, जो ये इसके सरफेस पर आराम से ये इजीली यहाँ फिट हो जाता है। यहाँ ये एक कर्व माउंट लेंगे और एक ये भी लेंगे, टी माउंट बोल लो, जो भी माउंट बोल लो इसको। एक ये लेंगे, एक लेंगे इसके लिए ये माउंट और एक लगेंगे ये माउंट, जो ये माउंट इस माउंट के अंदर इसमें फिक्स हो जाता है ये माउंट बस। और एक चाहिए हमें एम सील, जो चिपकाने के अंदर काम आएगी। इसको चिपका देंगे अच्छे तरीके से। तो चलिए फटाफट से इसको चिपकाते हैं और देखते हैं इसको। सबसे पहले इसके अंदर से इस टेप को, डबल साइड टेप आती है इसके अंदर, इस रेड कलर की पन्नी को इसको बाहर निकाल लेंगे। ये हमने इसको निकाल लिया बाहर। ये हमने इसको बाहर निकाल लिया। अब हमें इसका सेंटर देखना है, बिल्कुल सेंटर में लगाना है इसको। हम इसको लगाने वाले हैं यहाँ बिल्कुल सेंटर में। आप इसको लगते हो ध्यान रखिएगा, दोनों तरफ जो जगह होनी चाहिए वो बराबर होनी चाहिए। इसको जोर से प्रेस कर देंगे तो ये पकड़ लेगा थोड़ा सा। उसको लगाने के बाद हमें इसको फिक्स करने के लिए हमें एम सील की ज़रूरत पड़ेगी। आफ्टर मार्केट आपको 10 रुपये का एम सील ही मिल जाएगा। मैंने 10 रुपये का बाहर से ख़रीदा था इसको। और इसको फटाफट से इसको मिक्स करते हैं इसको। हम सारा मिला लेते हैं एक साथ, फिर देखते हैं इसको कैसे मिक्स करना है इसको। अच्छी तरीके से मिक्स करना है इसको। आई थिंक ये अच्छे से मिक्स हो गया है। छोटे छोटे ऐसे पिक्चर्स कर लेंगे। हमें अच्छे से लगाना है इसको, इसको बराबर करके लगाना है। इसको अंदर की तरफ में लगाना है इसको। आई थिंक ये अच्छे से लग गया है।
अब इसको हम सूखने के लिए छोड़ देते हैं कुछ देर तक। सूखने के बाद मैं आपको बताता हूँ आगे का प्रोसेस कैसा लगता है, कैसा दिखता है हमारा हेलमेट कैमरा माउंट करने के बाद। ये देख लीजिए, ये ऐसा लगता है, ऐसा आपको लगा लेना है। मिलता हूँ मैं आपको थोड़ी देर बाद सूखने के बाद इसको। तो गाइस जैस देख सकते हैं आप कितने अच्छी तरीके से ये सूख चुका है। ये इसको सूखने के बाद सिंपली आपको करना क्या है, आपको इस माउंट को लेना है, ये जो माउंट है इस माउंट को लेकर के, और इस माउंट को लेकर के यहाँ से इसको हल्का सा प्रेस करके इसको प्रेस करके और ऐसे लगा देना है। अब ये लग चुका है इसके अंदर, ये सेट हो चुका है। आपको इसका स्क्रू खोल लेना है। खोलने के बाद में फिर आपको ये माउंट लेना है, और इस माउंट को आपको इस तरीके से लगाना है। इसको लगाने के बाद में फिर आप इसको स्क्रू को आप टाइट कर दीजिए, और टाइट करने के बाद आपको ये माउंट लेना है, और इस माउंट को आपको स्क्रू खोल के इसमें लगा देना है। ये माउंट ये हो चुका है हमारा तैयार। ये आपका साइड एंगल एडजस्ट करने के लिए, और ये माउंट आपका कैमरे का एडजस्टमेंट के लिए। ये दो लगाने के बाद में फिर आप अपने कैमरे को इसके ऊपर इस तरीके से माउंट करके और आप स्क्रू को लगा दीजिए। ये हो गया हमारा तैयार। ये कुछ इस तरीके से दिखता है। साइड एडजस्ट करना है आपको यहाँ से थोड़ा सा हल्का सा लूज करके, और व्यू को आप साइड से एडजस्ट कर सकते हैं। और कैमरे को एडजस्टमेंट करने के लिए आप यहाँ से हल्का सा डाउन कर खोल के और यहाँ से अप एंड डाउन करके कैमरे का एडजस्ट कर सकते हैं आप। ये हो गया हमारा कैमरा माउंट हेलमेट पे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।